तो नमस्कार भाई लोग, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्रो बनते हैं इस वाले मैप में। तो आप सबको पता ही होगा जो लोग सीओडी मोबाइल खेलते हो कि ये क्रैश का मैप है। तो यह तुम्हारा एक स्पॉन पॉइंट है और दूसरी तरफ एक स्पॉन पॉइंट है, तो आप दोनों जगह स्पॉन हो सकते हो शुरू में, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सर्च एंड डिस्ट्रॉय की हर एक मैच जीत सकते हो तुम हर एक मैच। तो पहले आपको एक ट्रिप माइन लगाना होगा यहाँ पर। तो ये ट्रिप माइन क्यों लगा रहे हैं हम? ये ट्रिप माइन लगा रहे हैं क्योंकि हम एक रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आने के लिए दो रास्ता है, एक ये और एक ये ऊपर, ठीक है। तो एक अगर ट्रिप माइन से ब्लॉक कर देंगे तो दूसरा को हम पकड़ के रख सकते हैं, राइट। कोई भी आएगा उसे हम मार देंगे ऐसे इजीली, और हर एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय के मैच हम जीत सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर भी आप कैंपिंग कर सकते हो स्नाइपर के साथ, दोनों साइड को देख सकते हो। रिस्क भी कम है यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि स्नाइप उधर करना तो थोड़ा रिस्क है। स्नाइप उधर करना इजी है, पर अगर किसी के पास असॉल्टिंग गन है तो वहाँ पर मारना टफ है। तो यहाँ से ये देखो, मैं जहाँ पर मारा हूँ तो वहाँ पर भी एनिमी कभी कभी स्पॉन होता है, और ये जो है एक स्पॉन पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, आपको स्पॉन पॉइंट पर एक काई रखना होगा। जब आप डोमिनेशन खेल रहे होंगे और हार्ड पॉइंट खेल रहे होंगे तो रैंक मैच में तो बहुत सारे किल्स मिल जाएंगे आपको, अगर आप ये स्पॉन पॉइंट्स पर ही नज़र रखते हो तो। सर्च एंड डिस्ट्रॉय में तो रिस्पॉन नहीं होता। ये जो हम रास्ते के ऊपर से जा रहे हैं मिड पर जो रास्ता है, तो यहाँ पर तो एनिमी स्पॉन नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमी तो दो तरफ ही स्पॉन हो सकता है। कभी आप देखे हो मैच खेलने के समय आप ये जो मिड पॉइंट है उसके उस जगह पर आप स्पॉन हो गए हो? नहीं ना। तो ये एक स्पॉन पॉइंट है या गैरेज बोलता है इसको। तो आप ऊपर से देख सकते हो ये गैरेज पर, तो आपको बहुत सारे किल्स मिल जाएंगे तब भी। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये एक पॉइंट है, यहाँ से आप कोई एनिमी आ रहा है उस तरफ से, क्योंकि उस तरफ से स्पॉन होता है तो मोस्टली एनिमी उस तरफ से आता है। ये जो राइट साइड है उससे नहीं आता, आज तक एनिमी नहीं आता, तो लेफ्ट साइड से आता है मेनली, तो आपको किल मिल जा सकता है। पर अगर ये पॉइंट रिस्की भी है, क्योंकि ये पॉइंट तीन तरफ से खुला है, तो रिस्क तो है। तो ये पॉइंट से आप उस तरफ से कोई आ रहा है आपको लग रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो। ये पॉइंट दोनों तरफ भी है, पर ये देखो ऐसे आप मार सकते हो किसी को भी, अगर आप कैंप करना चाहते हो तो डोमिनेशन और हार्ड पॉइंट जैसे कैंप पर। पर ये पॉइंट ऊपर से चढ़ के देखना तो पिक करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आपको एनिमी देख सकता है तीन जगहों से, तो रिस्क है बहुत। और अगर कोई छत पर है तो मान लो घंटी बज गई आपकी, तो उस जगह पर कोई स्नाइप कर रहा होगा, तो उस जगह पे आप स्नाइपर यूज करके मार सकते हो उसको। वो जो पॉइंट है स्नाइप करने का, ये जो लेफ्ट साइड पे हम अभी जाएंगे, तो वो पॉइंट सबसे सेफ है इस पूरा मैप में, सबसे सेफ स्नाइपिंग पॉइंट वो वाला है। अगर आपका एक दोस्त आपके साथ खेल रहा है रैंक मैच में, तो आप उसको लगा सकते हो नीच वाले गैरेज की तरफ, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ से भी एनिमी आ सकता है, और आप ये दोनों पॉइंट इजीली देख सकते हो, सामने वाले पॉइंट और ये दो पॉइंट आप दोस्त को देखने को बोलेंगे तो इजीली आप किल कर सकते हो। तो अब आप लोगों को एक पॉइंट दिखाऊंगा, वो भी एक स्नाइपिंग पॉइंट ही बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ से आप स्नाइप भी कर सकते हो और लॉन्ग रेंज शॉट भी लगा सकते हो। तो वो सामने ही है इस वाले घर में, ये जो ब्रोकन हाउस है मिड पर, तो इस वाले घर को आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी वॉल बैंग भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तो रिस्की है यहाँ पर। कोई अगर एसोल्टिंग गन यूज़ कर रहा है और चॉपर यूज़ कर रहा है एलएमजी की, तो आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मार सकता है, ये काफ़ी वॉल बैंग होने का चांस। और ये एक पॉइंट है जहाँ से आप
सर्च एंड डिस्ट्रॉय में इजीली मार सकते हो। कोई अगर बार बार देख रहे हो कोई वहाँ से पिक कर रहा है और आपके टीममेट्स को मार रहा है, राउंड वन पे आप हार गए हो और राउंड टू पे आप इस जगह से स्नाइपिंग कर सकते हो इजीली। और तो आप लोग को बता तो दिया कि उस पॉइंट पे आप बैठ जाओगे तो सर्च एंड डिस्ट्रॉय आपको कोई नहीं हरा पाएगा, तो यहाँ से आप जाओगे तो आप ट्रिप मेन से मारे जाओगे, तो नीचे जो एनिमी बैठा है तो उसको आप मार नहीं सकते। रीलोडिंग ए सीढ़ी से चढ़ के, तो आपको नीचे से ही आना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो आपके पास स्मोक नहीं, एक EMP होना ज़रूरी है। आपको अगर लग रहा है कोई एनिमी वहाँ पर बैठा है तो आपको EMP बहुत टेक्टिकली थ्रो करना है, यहाँ से एक एंगल बना के ताकि उसके मुंह पर जाके गिरे और मुंह स्टॉप हो जाए। ये देखो मैं थ्रो करके दिखाता हूँ, काफ़ी ऐसे वो ऐसे लग के बेंड होके जाएगा और यानी कुछ पल के लिए स्टॉप हो जाएगा, तो आप जाके इजीली मार दे सकते हो एनिमी को। आपको अगर लग रहा है कोई है तो आप यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिताओगे तो उस तरफ से जो स्नाइपिंग पॉइंट है ना, तो उस तरफ से ये पॉइंट काफ़ी क्लियर दिखता है, तो आपको मार भी दे सकता है कोई एक अगर है तो। पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय पे ऐसा नहीं होता क्योंकि एक दो बचे होते हैं और वो भी वहाँ पर होता है, तो आप ट्राई कर सकते हो EMP के साथ। और अगर आपका डिफ्यूज है तो मैं बोलूँगा कि डिफ्यूज करने के लिए तो स्मोक रखना ज़रूरी है, और क्योंकि EMP काम नहीं आता। तो यह एक पॉइंट है जहाँ से भी आप देख सकते हो सर्च एंड डिस्ट्रॉय पे आप कैंप कर सकते हो। यहाँ पर कोई चेक नहीं करता, आगे पीछे जाके घूम जाता है, तो यहाँ से अगर कोई जाता है वो रश खेलता है तो आप उसे इजीली टपका दे सकते हो। और यहाँ से गोली अंदर नहीं आता क्योंकि अंदर नहीं आता, मैंने देखा है अंदर नहीं आता। तो ऐसे आपको मार नहीं पाएगा अगर आपके राइट साइड पे नहीं आया था। तो नेक्स्ट एक पॉइंट दिखाऊंगा आप लोगों को कि छुपने कहाँ पर है। अगर आप एक 1v1 खेल रहे हो आपके दोस्त के साथ और सर्च एंड डिस्ट्रॉय खेल रहे हो रैंक पे, तो आपको छुपना ज़रूरी है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आप छुप सकते हो। तो यहाँ पर आपके एनिमी अगर लेफ्ट साइड से आता है तो वो राइट साइड श्योरली चेक नहीं करेगा। अगर उसके आँखों में रेड जो चमक होता है ना एनिमी का, वो अगर लग भी जाएगा तो वो स्कोप करते करते आप उसे टपका दे चुके हो। अगर उसके पास पेने गए तो थोड़ा रिस्क है, तो नहीं आपको मार नहीं सकता। यहाँ पर कुछ मिल जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से कि यहाँ पर एनिमी स्पॉन होते हो तो यहाँ से आप मार सकते हो। ऐसे ही आते हैं तो यहाँ पर आप खड़े होकर इसलिए टपका सकते हो, आपके पास स्नाइपर है और लॉन्गर गन है तो इसलिए टपका सकते हो। चॉपर है तो कोई बात नहीं, चॉपर है तो भाई ये नहीं टप चुका है। तो और यहाँ पर भी आप खड़े होकर देख सकते हो एनिमी आ रहा है और उसको मार दे सकते हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो मार दिया मैंने, तो वो जाके कहाँ पर स्पॉन हो रहा है तो ये भी बताओ तुम। तो मैं बताता हूँ कि ये जो एनिमी है वो जाके वो जो पहला स्पॉन पॉइंट बताया था ना गैरेज पे, तो वहाँ जाके स्पॉन होगा। मैं अभी आप लोगों को जाके दिखा देता हूँ तो कि एनिमी कहाँ जाके स्पॉन हुआ है। तो चलो देखते रहिए आप वीडियो। तो ये देखो एनिमी यहाँ पर खड़ा है, तो एनिमी यहाँ गैरेज से स्पॉन हुआ है और यहाँ पर आके खड़ा हुआ है। तो ये जो स्पॉट है आप इजीली पकड़ के रख सकते हो और कोई भी आके स्पॉन होगा और आप उसे इजीली टपका सकते हो। तो यहाँ पर तो आप देख चुके हो कि उस तरफ से मारोगे तो इस तरफ आके स्पॉन होगा, तो देखते हैं कि इस तरफ से अगर कोई मारा जाता है तो वो कहाँ पर जाके स्पॉन होगा। तो देखते रहिए वीडियो।
थोड़ा बड़ा तुम देखते हुए देख सकते हो कि मैं मार जा चुका हूँ, तो कहाँ पर स्पॉन होते हैं दिखते, तो ये देख रहे हो आप मैं कहाँ पर स्पॉन हूँ, तो मेन रास्ते पे तो आप स्पॉन नहीं हो सकते, तो यहाँ पर आप स्पॉन होंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्योंकि, और यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते हो क्योंकि एनिमी आके आपको मार देगा शायद, तो आप कहाँ बैठोगे, तो आप मोस्टली यहाँ पर आके कैंप करोगे और एनिमी मोस्टली आके उठ जाएगा, तो यहाँ पर नहीं देखता है कोई, चेक नहीं करता, तो यहाँ पर आप आके इजीली मार सकते हो एनिमी को, कोई अगर आपको लगता है स्पॉन हुआ है फूड का स्टेप आ रहा है। तो मैंने जो आपको बोला तो यहाँ पर स्पॉन होगा, तो मोस्टली घर के अंदर ही स्पॉन होता है क्योंकि एक सेफ जगह देने की कोशिश करते हैं सीओडी मोबाइल। तो अब आप लोगों को एक कैंपिंग का स्पॉट बताऊंगा जो आप सचिन डिस्ट्रो में यूज़ कर सकते हो और कोई भी टीडीएम में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखो, ये भी सेम ट्रिक है रास्ता ब्लॉक करने का ट्रिक, तो यहाँ पर भी सीढ़ी से उठ नहीं सकता है एनिमी, तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि एनिमी उठ के आपको बजा ना दे, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ट्रीटमेंट कर लोगे और आपको अंदर से कैंप करना होगा, वो सेम ट्रिक है, पर आपको देखे रखना है कि आप पर तो आप बैठ नहीं सकते क्योंकि एनिमी आके आपको बजा सकता है नीचे भी और यहाँ से भी बाई तरफ से भी खुला है, तो आप कहाँ काम करोगे, आप यहाँ पर बैठ के कैंप करोगे क्योंकि एनिमी आके घुस जाएगा और आपको ईजिली और आप उसको ईजिली बजा दोगे। तो मैं आप लोगों को इतना सारा कैंपिंग का स्पॉट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई नूब होता है और रैंक पुश करना चाहते हैं फिर भी, तो सामने से जाके तो मार नहीं सकते, तो आप अगर सिंगल ही खेल रहे हो तो आपको क्या करना है, तो आपको इस तरह से कैंप करना होगा क्योंकि लोग बोलते हैं कि सीओडी में केडी मैटर नहीं करता, आप जाके मार जाओ और फिर किल भी करके आओ, तो वो बात तो ठीक है पर आपको मार भी सकता है, आपको अगर आप खुद मर चुके हो तो ठीक है पर खुद आपकी समझ आए ना, खुद अपने आप की जान ले रहे हो तो ठीक है। ये देखो स्पॉट पे भी आप बैठ सकते हो क्योंकि एनिमी आपको सोच नहीं पाएगा, आपको ऐसे कैंप करना है कि एनिमी आपको सोच ही ना पाए, आपको एनिमी के दिमाग में घुसना होगा, अगर एनिमी के जगह पर तुम होते तो तुम क्या करते, तो इस तरह से सोचना होगा आपको। और अगर आपको लगता है कि आप नो हो फिर भी आप कुछ करना चाहते हो तो आप जाके एनिमी को फ्री का किल दे रहे हो, तो आप दो मार रहे हो और एक को मार रहे हो, तो ऐसे करके तो नहीं चलेगा, आप 10 बार मारे हो और 5 किल किए हो तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको कैंप ही करना होगा, तो ये भी एक कैंपिंग का स्पॉट है, तो यहाँ पर भी एनिमी आपको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा अगर वो दाई तरफ से आ रहा है और लेफ्ट तरफ से आ रहा है, तो लेफ्ट तरफ से मेनली जो अभी अभी स्पॉन हुआ है वो लोग आएंगे और राइट तरफ से मेनली जो मारते हुए आ रहे हैं तो वो लोग आएंगे। तो यहाँ पर तो आप बैठ नहीं सकते, अगर आप गैरेज के अंदर ही बैठ गए तो यहाँ पर एनिमी स्पॉन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी एक अच्छा स्पॉट है, यहाँ पर आप प्रोन होके रह सकते हो क्योंकि अगर आप इस तरफ कैंप करोगे तो उस तरफ स्पॉन होगा, तो उस तरफ स्पॉन करोगे उस तरफ कैंप करोगे तो इस तरफ स्पॉन होगा, आप समझ रहे हो ना, गैरेज की इस तरफ और उस तरफ। तो आप आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना होगा, अगर आप सचिन डिस्ट्रो पे खेल रहे हो तो आपको दो लोड रखना है, एक पे आप जो आपको टारगेट वाला आएगा जो आपका बॉम आएगा, आपका टीम का बॉम है, तो आपको क्या करना है, आपके पास मोलोटॉफ रखना है, कुछ लोग उसको मोली बोलता है और मोलोटॉफ कुछ लोग बोलते हैं, तो उसको मैं मोलोटॉफ बोलता हूँ, तो आपको अगर मोलोटॉफ है और आप बॉम प्लांट कर चुके हो और एक एनिमी बचा है और वो निंजा डिफ्यूज की ट्राई कर रहा है, स्मोक करके डिफ्यूज करने की ट्राई कर रहा है, तो आप इजीली मोलोटॉफ मार के उसको मार सकते हो, और अगर आप प्लांट कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, और अगर आप डिफ्यूज़ करना चाहते हो तो आपको स्मोक रखना ही होगा, और एक चीज़ और आपको आप ईएमपी रख सकते हो जब आप टारगेट वाला मिशन है, मतलब जब आपके पास बॉम है और आपके और कुछ और भी हो सकता है, आपके टीम के पास भी बॉम हो सकता है, तो आप समझ गए ना। डिफ्यूज़ की बारी आएगी तो आपको याद रखना है कि एक
ट्रिप माइन की भी एक लोड आउट रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ट्रिप माइन की ज़रूरत पड़ेगी कैंप करने के लिए, और जो हाई लेवल की मैच होता है तो उसमें कैंप करना बहुत ज़रूरी है, और क्रैश की मैप में तो आप क्रैश नहीं खेल सकते एकदम, आपको कैंप करना ही होगा जब आपको डिफ्यूज़ करना हो। तो एक स्मोक और एक ट्रिप माइन आपको काम दे सकता है जब आप डिफ्यूज़ कर रहे होंगे। तो ये देखो एक फ्रिज के सामने आ गया हूँ मैं, मतलब पीछे आ गया हूँ मैं, तो आप यहाँ से फुल मैप कवर तो नहीं कर सकते, पर यहाँ पर जो ए वाला साइड है सचिन रेस्टोरेंट पे, तो वो आप इजीली कवर कर सकते हो एक स्नाइपर और कोई लॉन्ग रेंजर गन के साथ, जैसे चॉपर और कोई और, ठीक है। तो अगर आप TDM भी खेल रहे हो और हार्ड पॉइंट भी खेल रहे हो तो हार्ड पॉइंट पे पॉइंट यहाँ पर पड़ता है, तो अगर आपका टीममेट सारे मर गए हो और हार्ड पॉइंट नहीं ले पाए हो तो यहाँ पर आके आप चारों को एक साथ और दो को एक साथ और जो कोई भी बचा है तो एनिमी को टपका सकते हो इजीली। एनिमी सरप्राइज्ड हो जाएगा क्योंकि एनिमी सोच रहा होगा कि आप ही तो चार को टपका दिया है, तो यह कहाँ से उदय हो गया। तो हार्ड पॉइंट खेलने के लिए, हार्ड पॉइंट एक टीम गेम है, तो हार्ड पॉइंट खेलने के लिए आप टीम बना के रैंक मैच खेलो तो वही अच्छा है, क्योंकि हार्ड पॉइंट मेनली टीम गेम है। हार्ड पॉइंट आप अकेले तो नहीं जीत सकते, हार्ड पॉइंट पे आपको अगर आप अटैक करना चाहते हो तो वहाँ पर जाके हार्ड पॉइंट के सामने कैम्प कर सकते हो ताकि एनिमी आके हार्ड पॉइंट कैप्चर ना कर पाए, और दूसरा चीज़ कर सकते हो एकदम गधा की तरह हार्ड पॉइंट पर जाके बैठ सकते हो क्योंकि अगर आप नूब हो तो। तो ये जो घर के ऊपर से मैंने कूदा, तो ये वाला घर पे सेकेंड हार्ड पॉइंट गिरता है, तो मेरे को ये मालूम है, तो मैं अगर 7 सेकेंड बाकी है तो मैं जाके सेकेंड हार्ड पॉइंट पर नहीं बैठूंगा, सेकेंड हार्ड पॉइंट के सामने आसपास कोई जगह ढूंढ के मैं बैठ जाऊंगा, शायद सेकेंड हार्ड पॉइंट के ऊपर और कोई आसपास की जगह, ताकि एनिमी हार्ड पॉइंट के ऊपर कब्जा ना कर पाए, ठीक है। और आपको देखना होगा कि आपके टीममेट्स हार्ड पॉइंट पर बैठे हैं तो आप लोगों को एक स्पॉट बताऊंगा जो कि निंजा डिफ्यूज या कोई एनिमी प्लांट करने आ रहा है तो आप उसको मार सकते हो। और आपके अगर डिफ्यूज करना है, आपके अगर टारगेट पॉइंट है, आपके पास बॉम्ब है, आप प्लांट कर चुके हो तो एनिमी आ रहा है तो ए पॉइंट तब भी काम आएगा, क्योंकि एनिमी ए पॉइंट चेक करता ही नहीं, तो अगर पीछे ऊपर जाके खड़ा है तो आपकी मुश्किल हो सकता है। तो मोस्टली उस जगह पे आपका कोई टीममेट तो होगा ही, आप अगर अकेले खड़े हो तो यहाँ पर आके पबजी की तरह आप कैंप कर सकते हो सांप बन के, तो यहाँ पर दिखाई भी नहीं दिखा और एनिमी आएगा, और एनिमी अगर यहाँ पर ऊपर भी चढ़ गया तो आप उसे इजीली टेक आउट कर सकते हो एक लॉन्ग रेंज गन से, बहुत अच्छा। और निंजा डिफ्यूज करने का ट्राई भी करेगा तो आपके पास मॉली है पहले से ही, तो आप उसको मॉली से मार दोगे और जीत जाओगे। तो यही था आज का वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और कोई मैप लेके आऊँगा, तो तब तक के लिए बाय।
तो आप लोगों को लग सकता है कि ये पॉइंट भी सेफ नहीं है, क्योंकि पीछे से मार सकता है, सामने से मार सकता है। पीछे से तो नहीं मार सकता क्योंकि उस तरफ बेंड है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सामने से उस एनिमी को देखना काफ़ी टफ है। तो आप लोग देख चुके हो, वो पॉइंट काफ़ी सेफ है और उस पॉइंट को आप यूज़ कर सकते हो।